तो दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हम एडिट करके एक बार में स्पीड एयर पॉइंट की कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है, यह हमें टीच पे कर लेना है जो मैंने पहले ही कर रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये एक हमारा एरिया वाला बटन है, लो मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ये एरिया वाला बटन है हमारा, इससे हमें क्या करना है, एरिया डिसाइड कर लेना है। ये वाला हम टच से भी काम कर सकते हैं, कीपैड से भी काम कर सकते हैं। कीपैड से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। किसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारी डिस्प्ले क्रैक हो जाती है या बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो हमें क्या है इसलिए ईजिली क्या है, हमें कीपैड से काम सीखना चाहिए। कीपैड से काम सीखेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हर जगह क्या है टच काम नहीं करती है। ठीक है, किस जगह जाते हैं हम लोग तो पुराने टीचमेंट होते हैं, उस चक्कर से क्या है कि हमारी टच काम नहीं करती तो हमें दिक्कत होती है। हम ईजिली क्या है टीच पेंडेंस से सीखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसलिए आपको टीच पेंडेंस से सिखाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा कोई भी प्रोग्राम है, जैसे मैंने ये एक प्रोग्राम खोल लिया है, सेलेक्ट जॉब में आकर ये मेरा एक प्रोग्राम खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी स्पीड दो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अभी क्या है, इसकी स्पीड है हमारी 0.78। तो हमें अगर इसकी स्पीड बढ़ानी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट आ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट चेंज करने वाले बटन रहते हैं, आप देख रहे हैं जो जैसे हमारे पहले कीपैड वाले फ़ोन में रहते थे वैसे ही इसमें बटन दिए हुए हैं। और हमें क्या करना है, स्टार्ट आ गए हम, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ये एरिया वाला एक बटन है, ये आप देख सकते हैं इधर देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये एरिया का एक बटन है, इसे एरिया डिसाइड कर लेते हैं। हमारा ये बटन है चार एरिया कवर करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एरिया कवर करता है। पहला हमारा एक यही एरिया कवर करता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा ये नीचे रहता है हमारा, जैसे कोई अलार्म वगैरह आता है, अगर हमें नहीं दिख रहा है आई सेट प्रॉब्लम है तो हम इसे बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये एरिया का बटन है, हम दबा लें, दबा लिया हमने। और ये एरिया से क्या है, हमें ऊपर जाना है, ऊपर वाले उसमें आना है एरिया में, ऊपर देखो ये जॉब के बगल में आ रहा है एक एडिट। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एडिट कर लेना है। एडिट पे क्या है, ये हमारे एक सेलेक्ट का बटन है इधर, हमें ये सेलेक्ट दबा लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे ही हम करेंगे तो उसके नीचे देखो हमें एक यहाँ एक हमें मिल जाएगा चेंज स्पीड। हमें चेंज स्पीड का करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं करना हमें, ऊपर ये नीचे आ रहा है हमारा 25.00। जैसे क्या करना है हमें, इसे सेलेक्ट मार लेना है यहाँ से, ऐसे सेलेक्ट मार के हम जो भी स्पीड करना चाहें कर सकते हैं यहाँ से। तो मुझे स्पीड करनी है 50, हमें ये यहाँ नीचे गिनती दी हुई है, आप देख सकते हो दोस्तों वीडियो में यहाँ गिनती दी हुई है, तो मैंने 5 और 0 दबा लिया है हमने। अब ये हमारा इंटर का बटन है, तो मैं यहाँ इंटर दबा लेता हूँ, और दो बार मैं यहाँ इंटर करूँगा। तो यहाँ क्या है, देखो आप देख सकते हैं कि मेरे जो प्रोग्राम था उसमें सारी स्पीड चेंज हो गई। तो हम ऐसे अपने प्रोग्राम की स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।